Hello, guys, and welcome back. I am Fatima, ma'am, and we are doing a special series for your upcoming JE exam wherein we are going to be solving some superb questions from selected topics that have come in your previous year papers. Today's topic, guys, is quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज हम करने वाले हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखने वाले है प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ देशन नाइन एक्सक्वेर माइनस एटीन टाइम्स मॉडल टू जीरो नो वाई दे गिव दिस क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू दिस इज लाइक अ फ्री क्वेश्चन फ्री शॉर्ट है बस एक चीज का ध्यान रखना कि आप यहाँ पे जो आपने बचपन में प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला पड़ा होगा वो डायरेक्टली मत लगा देना बिकॉज ये एक्सक्वायर के टर्म्स में कॉड्रेटिक नहीं है ये मॉड एक्स के टर्म्स में कॉड्रेटिक है ठीक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है पहले आपको इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके रूट्स निकालना है और उनको मल्टीप्लाई करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक मैकेनिकली यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट ठीक है तो यहां पर अगर मैंने यू कैन डू इट टू वेन आई डो पुट मॉड एक्स इज इक्वल टू आई एंड सोल्व इट या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो ओके सी मॉड एक्स का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स स्क्र ही मिलने वाला है और राइट सो लेट मी राइट दिस एस मॉड एक्स स्क्वाइनस एटीन टाइम्स मॉड एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो सच दैट on adding them you are going to get 18 so what are the factors that you'll get of 45 such that add kar aapko 18 milega? Kya factors Batao mujhe jaldi. 15 and 3 you'll get yes so let me write 9 times mod x square minus 3 times mod x minus 15 mod x plus 5 is equal to zero ठीक है अब बस कुछ नहीं सिर्फ इसको कॉमन लेके सॉल्व करना है आई थिंक यू कैन डू दिस ऑन योर ओन बट जस्ट मुझे मॉड की एक प्रॉपर्टी आपको बतानी है इसलिए मैं आपको ये फटाफट बता देती हूँ दिस विल बी थ्री टाइम्स मॉड एक्स माइनस वन माइनस फाइव कॉमन अगेन थ्री टाइम्स मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो बेसिकली यू आर गेटिंग थ्री मॉड एक्स माइनस वन इंटू थ्री मॉड एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो आपको मॉड एक्स की वैल्यू मिल रही है एक वन बाय थ्री दूसरी मॉड एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है फाइव बाई थ्री नाउ जस्ट वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव आता तो वो रिजेक्ट हो जाता क्यों क्योंकि मॉड लगाने के बाद आपके आंसर में नेगेटिव नहीं आ सकता है बट हयर दिस इज नॉट द केस दोनों भी आपको पॉजिटिव ही आ रहे हैं तो दोनों भी सेलेक्ट होंगे बट ये मॉड एक्स की वैल्यूज है आपको एक्स चाहिए अगर मॉड एक्स वन बाई थ्री है तो एक्स प्लस माइनस वन बाई थ्री होगा और अगर फाइव बाई थ्री है तो एक्स जो है वो प्लस माइनस फाइव बाई थ्री होगा मतलब टोटल चार रूट्स आपको मिल रहा है चारों को मल्टीप्लाई करके मुझे फटाफट आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो चलो यू कैन ये तो आप खुद से भी कर सकते हो यहाँ से कॉपी करने की जरूरत नहीं है ऑल राइट यस आर यू गेटिंग ट्वेंटी फाइव बाई एटी वन ऑप्शन बी यस ग्रेट सिंपल से बहुत ही इजी क्वेश्चन से वी हैव स्टार्टेड फॉर यू वेरी सिंपल जस्ट फ्री शॉर्ट क्वेश्चन इज गिवन जे 2020 में फिफ्थ सितंबर टीचर्स डे के दिन आया था ये क्वेश्चन ऑलराइट लेट्स मूव अहेड ओके दिस इज आल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पी क्यू अगर रियल नंबर्स है और टू माइनस रूट थ्री अगर क्वाड्राट इक्वेशन का रूट है तो इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा कौन से नहीं सो uh, बेसिकली so ऑप्शन इन टर्म्स क्यू मतलब आपको यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू निकालनी होगी दैट मच इज क्लियर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये टू माइनस थ्री इज अ रूट अगर कोई भी इेशनल रूट होता है देन उसका कॉन्जुगेट विदर रूट मतलब अगर इस क्वॉट्रेटिक का एक रूट टू माइनस रूट थ्री है तो दूसरा वाला हैस टू बी टू प्लस रूट थ्री दूसरा वाला हैज टू बी टू प्लस रूट थ्री और राइट सो इफ टू माइनस रूट थ्री एंड टू प्लस रूट थ्री आर रूट देन वॉट वी आर गोइंग टू फाइंड एंड सम ऑफ डूर माइनस पी होगा यहाँ पे सम ऑफ रूट विल बी माइनस पी बट यू ऑलरेडी नो द रूट तो आपको सीधा सीधा यहाँ से पी की वैल्यू मिलेगी यू आर गेटिंग माइनस पी इज इक्वल टू फोर मतलब पी आपको मिल रहा है माइनस फोर सिमिलरली क्यू तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा Adab, q इज गोइंग टू बी टू माइनस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट थ्री विच गिव फोर माइनस थ्री जो कि वन होता है तो आपको P और Q की वैल्यूज मिल गई है आप ये चीज खुद से करोगे डेफिनेटली राइट right? चलो फटाफट वेरीफाई कर लो मेरे साथ देट इज सैटिस्फाइंग द ऑप्शन बी अगेन सिंपल क्वेश्चन जस्ट बड़ा खतरनाक दिख रहा है बट ठीक है यह भी मैं बताती हूँ आपको दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी एज वेल अल्फा एंड बीट आर टू रूट सम कॉट राइट एक क्वेश्चन कुछ तो अजीब सा लुकिंग एक्सप्रेशन इज गिवन जिसका वैल्यू यू है सबको पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस अल्फा माइनस नहीं सॉरी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नेगेटिव तब माइनस सिक्सटी माइनस ऑफ माइनस सिक्सटी फोर यू आर गोइंग टू गेट विच इज सिक्सटी फोर ओनली एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट वाला दैट विल बी टू फिफ्टी सिक्स ठीक है अब ये एक्सप्रेशन है सबसे पहले तो ये जो वन बाय एट वाली जो पावर है वो दोनों को दे देते हैं ठीक है तो आपको मिलेगा अल्फा रेस टू थ्री बाय एट डिवाइडेड बाय बीटा रेस टू फाइव बाई एट प्लस बीटा रेस टू थ्री बाय डिवाइडेड बाय अल्फा रेस टू फाइव बाई एट ओके लेट अस टेक एलसीएम यू विल गेट अल्फा रेस टू फाइव बाई एट इंटू बीटा रेस टू फाइव बाई एट इन द डिनोमिनेटर यहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना अल्फा रेस टू थ्री बाय एट इंटू अल्फा रेस टू फाइव बाई एट

टू uh, तो नीचे आपको मिल रहा है टू रेज टू फाइव एंड सिक्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बस देख के डरना नहीं है गॉट इट सी दिस इज ऑल्सो टू थाउजेंड ट्वेंटी का ही क्वेश्चन ओके सिंपल वेरी इजी लेट्स मूव वी हैव ओके अल्फा एंड बीटा आर द equation. ऑफ beta बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे द problem is उसका वैल्यू नहीं पूछा है आपको ओके okay? वैल्यू नहीं पूछा है बीटा का आपको बीटा एक्सप्रेस करना है अल्फा के टर्म्स में सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज लेट्स ओपन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट फोर एक्स स्क्स टू एक्स एंड इसको इधर लेके आ जाओ अब दिस इज गोइंग टू बी प्रेटी डिफिकल्टू फैक्टराइज है ना तो हम क्या करेंगे हम लोग ना थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे इफ आई सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा हेयर और अल्फा हीयर दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू मैं इसमें डाल दूँ तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए बिकॉज अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो वैल्यू तो डाल ही देंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फा निकालते हैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे क्या मिल रहा है आई विल गेट इट माइनस हाफ राइट

माइनस हाफ यू आर गेटिंग इक्वल टू जीरो तो अभी देखो यहाँ से आपको माइनस हाफ यू कैन गेट इन टर्म्स ऑफ अल्फा दैट इज माइनस टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कैन आई पुट इट देअ कैन आई पुट दिस दिसर इन दिस इक्वेशन माइनस हाफ की जगह पे ये डालू तो मुझे बीटा क्या मिलेगा आई विल गेट माइनस टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस अल्फा विच बिकम्स माइनस टू अल्फा स्क्वाइनस टू अल्फा सी आई ग्वॉट इट You take minus 2 alpha common alpha plus 1. So, yeah, this was a little bit of smart work, but straightforward, easy only. Yes? Got it everybody? Yeah. Alright. Let's load this for you so that you can note it down. And let's move ahead. Yeah? Awesome, guys. Very good. Alright. Let's see the next question. What do we have here? प्लस वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू लैमडा रियल्यू ऑफ लैमडा बीटा बट ये मतलब कॉड्रेटिक को सोल्व करके आपको मिलने वाले सबसे पहले टेन अल्फा और टेन बीटा ठीक है तो हमको यहाँ से जो सम और प्रोडक्ट मिलेगा वो टेन अल्फा और टेन बीटा का होगा ठीक है तो सबसे पहले इसको प्रॉपरली एक सब चीज लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं प्लस वन टैन एक्स माइनस रूट टू लैमडा टेन एक्स प्लस के माइनस वन इज जीरो ठीक है तो यहां से आपको टेन अल्फा प्लस टेन बीटा मिलेगा विच विल बी वॉट इट विल बी रूट टू लैमडा माइनस अपॉन के प्लस वन And tan alpha into tan beta, you are going to get k minus 1 upon k plus 1. Alright? Now, tan square alpha plus beta is given. I can write that as tan of alpha plus beta, the whole square. Yeah? You know why I have written it like that? Because tan alpha plus beta ka, now I will be using the formula. So, that will be tan alpha plus tan beta. डिडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इसका होल स्क्वल टू फिफ्टी ये ऑलरेडी है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा भी है दिस इज रूट टू लैमडा अपॉन के प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस के माइनस वन अपॉन के प्लस वन द होल स्क्वल टू पचास नीचे LCM ले लो लोगे तो क्या मिलेगा रूट टू लैमडा अपॉन के प्लस वन होल स्क्टी तो के प्लस वन के प्लस वन कैंसल हो रहा है के k, कैंसिल k हो रहा है नीचे बच रहा है वन प्लस वन विच इज टू और ऊपर रूट टू लैमडा लेट इट यू हैव टू स्क्वायर और नीचे टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर टू वन जार टू जार लैमडा स्क्वायर बाय टू इज फिफ्टी विच मीन दैट योर लैमडा स्क्वायर इज हंड्रेड मतलब लैमडा की वैल्यू हो गई आपकी टेन दिस इज योर आंसर गॉट इट सो इजी प्ले स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए नोट डाउन करो इसको भी दिस इज टेन विच इज योर ऑप्शन बी राइट let's move ahead okay what is this dangerous looking thing Alpha beta are the roots of 375 x square minus 25 x minus 2 is equal to 0 then you have to find the value of limit of n tending to infinity summation R is equal to 1 to n of alpha raised to R plus the same thing for beta raised to R now what is this? summation of alpha raised to r from 1 to n if you want to do what are you going to get you are going to get alpha plus alpha square plus alpha cube up to alpha raised to n now if they are telling you that you have to find the limiting value of this as n tends to infinity do you know what they are doing they are asking you to find the value of this gp जी पी अपू इन्फिनिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना नहीं था उनको बिकॉज काफी इजी क्वेश्चन है तो और आसान नहीं करके देंगे आपको तो आपको उन्होंने इन्फिनिटी मतलब जैसे जैसे को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे मुझे इसकी वैल्यू बताओ तो कोई बात नहीं समू इन्फिनिटी ऑफ लिमिट तो आपको आता है ए अपॉन वन माइनस आर होता है जहां पे ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो

ठीक है डोंट सिंप्लीफाई दिस बिकॉज इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस फ्रॉम द प्रीवियस वन ऑल्सो कि वो एल्सीयम वगैरह लेना पड़ता है तो कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम इज प्रेफरेबल फॉर यू ओके सो लेट मी टेक यू विल गेट अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा आई मीन दिस वन प्लस ओके नो प्रॉब्लम प्लस बीटा उल्टा पहले कर दिया मैंने बात नहीं यह भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू वन माइनस बीटावन माइनस अल्फाइन माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटाटिंग वन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है हो गया डन क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन अल्फा प्लस बीटा इज ट्वेंटी फाइव बाई थ्री सेवेंटी फाइव Minus 2 times minus 2 by 375 divided by 1 minus 25 by 375 minus 2 by 375. I think you can do this on your own. Yeah, I think you should be able to do this on your own and check the answer with me. Come on, fast, fast, do it quickly. There you go. Got it. Option C 1 by 12. That is your answer. Yes. awesome guys let's move ahead let's move ahead okay yeah let's do this this is a good one because thoda it's it's a little non conventional as i like to call it 5x square plus 6x minus 2 is equal to zero ke roots hai alpha aur beta तो चलो भाई अल्फा अगर रूट है उसका तो उसमें डाल देते हैं अगर उसमें डाल दोगे तो आपको मिलेगा मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन विद अल्फा रेस टू एन सो आई विल गेट फाइव अल्फा रेस टू एन प्लस टू प्लस सिक्स अल्फा रेस टू एन प्लस वन माइनस टू टाइम्स अल्फा रेस टू एन इज इक्वल टू जीरो

प्लस बीटा रेस टू एन प्लस वन माइनस टू टाइम्स अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन इज इक्वल टू एन ये वाला जो टर्म है वो एस एन है तो दिस टर्म शुड बी एस एन प्लस वन एंड दिस टर्म शुड बी एस एन प्लस टू है ना अगर मैं यहाँ पे देखो कंसिडरिंग योर ऑप्शन एस फोर के टर्म्स है बहुत सारे मतलब सब में एस फोर एस फाइव और एस सिक्स ही है तो एन का वैल्यू अगर मैं फोर डालती हूं तो मुझे मिलता है फाइव एस सिक्स प्लस सिक्स एस फाइव माइनस टू टाइम्स एस फोर इज इक्वल टू जीरो इज दिसर फाइव एस सिक्स प्लस सिक्स एस फाइव माइनस टू यस देर यू को इट्स योर ऑप्शन ए दैट इज योर आंसर गॉट इट यस इजी क्वेश्चन अगेन बस थोड़ा डिफरेंट कन्वेंशनली डिफरेंट था थोड़ा इट्स नॉट इट्स नॉट योर यूजुअल यू हैव टू फाइंड ऑफ यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ थोड़ा बेसिक में जाना था यस गोट इट शेल बी मूव अहेड ऑसम गाइस लेट्स मूव अहेड ओके ना लेट्स सी दिस काफी अच्छा क्वेश्चन है इजी है थोड़ा अलग है अगेन

बट आपको बाहर ना किसी एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है कभी भी अगर ए, आ, अल्फा और बीटा रूट है तो आप उस क्वाड्रेटिक पोरिनोम को ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो बट बाहर एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए बिकॉज वो डिवाइड होके जीरो बनने की काफी चांसेस है तो ये हो गया तो फिर क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट डन है बिकॉज आपको दिया हुआ एक कंडीशन एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इज जीरो If I want to find f of minus 1 it will be a into minus 1 into minus 3 is minus 4 and minus 1 minus lambda I will get and f of 2 will be a into 2 minus 3 which is minus 1 and this will be 2 minus lambda. Its sum is 0 so that will be minus 4a into minus 1 minus lambda minus a into 2 minus lambda is equal to 0. Can I divide this throughout by minus a?

Lambda क्या है लैमडा आपका दूसरा रूट है लैमडा इज माइनस टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव इसी इंटरवल में अलाइ करेगा माइनस वन कोमा जीरो अगेन प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सॉल्विंग भी इतनी ज्यादा इसमें करनी नहीं थी ओके गॉट इट यस ऑसम गाइज वेरी गुड चलो इसको भी नोट कर लो फटाफट सो दैट वी कैन मूव अहेड आंसर इज दिस ऑप्शन सी लेट्स गो अहेड Alright, let P of X be a quadratic polynomial such that P of 0 is 1. If P of X leaves the remainder 4 when divided by X minus 1 and remainder 6 when divided by X plus 1, then which of the following options is correct? Alright, so this is your basic funda of your remainder theorem that you have done in 9th standard. कि अगर x माइनस वन से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो पी ऑफ वन का वैल्यू होता है x प्लस वन से अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा तो पी ऑफ माइनस वन का वैल्यू होता है वो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था बचपन में तो हम लोग वो यूज करने वाले अभी यहाँ पे अब देखो ये क्या होगा सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोरिनॉमल कुछ तो ले लो यहाँ पे लेट मी टेक इट एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको बोला है पी ऑफ जीरो वन है

तो p ऑफ माइनस वन यू आर गेटिंग टू सिक्स मतलब a माइनस बी प्लस वन आपको सिक्स मिल रहा है मतलब a माइनस बी आपको मिल जाता है कर दो इसमें आपको b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन

all right let's see what do we have next question okay if lambda is not equal to 0 such that it is a real number alpha and beta are roots of one equation x square minus x plus 2 lambda is 0 and alpha and gamma are the roots of some another equation then we have to find the value of beta gamma upon lambda okay now this is a new concept alpha beta a equation key roots equation key roots hai alpha gamma मतलब कैन आई से दैट अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दीज टू इक्वेश अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दीज टू इक्वेश के बीच में अगर आपको कॉमन रूट पता है इफ यू नो द कॉमन रूट ऑफ टू इक्वेशन उसकी एक कंडीशन होती है क्या कंडीशन है अगर दो इक्वेश है आई विल यूज दिस फॉर यू प्रॉपरली ये दोनों को पहले अच्छे से लिख लो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड वन और डिनोमिनेटर्स में क्या आ रहा है देखो डिनोमिनेटर्स में आ रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको इसको भूल जाओ इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ऑफ दिस मतलब प्लस ट्वेंटी लैमडा सॉरी दिस विल ऑल्सो भी लैमडा ओनली रहा माइनस ट्वेंटी सेवन लैमडा प्लस ट्वेंटी टू इंटू माइनस टेन इज माइनस ट्वेंटी उसका नेगेटिव हो जाएगा फिर यहां पे आएगा वन इंटू ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स लैमडा हो जाएगा एंड फाइनली यहां पे इसको इग्नोर करेंगे माइनस टेन प्लस थ्री यू विट तो इफ आई इक्वेट दिस नाउ दिस विल आल्सो बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू दिस तो मुझे एक्सक्वायर की वैल्यू मिलेगी माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी इज माइनस सेवन लैमडा डिवाइडेड बाय माइनस सेवन विच इज सिंपली लैमडा ओनली और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा आई विल गेट माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी मिल रही है 3 lambda. Now, can I put this x की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में डाल सकते हैं तो मुझे मिलेगा नाइन लैमडा स्क्वायर इज इक्वल टू लैमडा मतलब लैमडा की वैल्यू देखो उधर बोला है जीरो नहीं है मतलब आप कैंसिल कर सकते हो नाइन लैमडा आर गेटिंग इक्वल टू वन मतलब लैमडा की वैल्यू आपको मिल रही है वन बाय नाइन ठीक है अब आपको निकालना है बीटा और गामा मतलब पहले वाले इक्वेशन का रूट और दूसरे वाले इक्वेशन का आपको रूट निकालना है ओके okay. देखो यहां से ना आपको एक्स मिलेगा इफ यू पुट यक्स यू विल गेट एक्स थ्री लैमडा मतलब वन बाय थ्री हो जाएगा व्हाट इज दिस दिस इज एक्चुअली अल्फा जो कॉमन रूट है ना बिकॉज वो जो कंडीशन हमने यूज की है वो कॉमन रूट निकालने की कंडीशन है वो कॉमन रूट निकालने की कंडीशन है तो आपको एक्स यानी कि कॉमन रूट जो है वो मिल गया अब देखो लैमडा की वैल्यू मिल गई और अल्फा दैट इज द कॉमन रूट यू हैव लेट मी टेक बोथ दीज इक्वेश माइनस एक्स प्लस टू लैमडा यानी कि टू बाई नाइन जीरो इसका जो दूसरा रूट है वो बीटा है कैन आई सेल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बीवल टू वन मुझे अल्फा ऑलरेडी पता है तो बीटा पता चल सकता है कि नहीं बीटा विल बिकम टू बाई थ्री सिमिलरलीफ यू टेक द सेकेंड इक्वेशन ट्वेंटी सेवन बाई नाइन इज गोइंग टू गिव मी थ्री डायरेक्टली इसमें अल्फा प्लस बीटा लो या अल्फा इन टू बीटा लेना मुझे यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है अल्फा इंटू बीटा नहीं होगा सॉरी उसके रूट गामा है अल्फा इंटू गामा मुझे वन मिल रहा है अल्फा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है है तो गामा की वैल्यू क्या हो गई थ्री आपको क्या निकालना है आपको निकालना है टू बाई थ्री गामा क्या है गामा क्या है वन बाय नाइन और तो no, so, ये गया ये वन बाय नाइन ऊपर आके पलट जाएगा और नाइन बन जाएगा तो आपको आता है आंसर एटीन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स दो रूट्स अगर दो इक्वेशंस में अगर एक रूट सिंगल रूट अगर कॉमन है तो दिस इज द कंडीशन दैट यू आर सपोज टू यूज वहां से आपको या तो एक अननोन वैल्यू निकालनी पड़ती है या तो जो रूट है वही निकालना पड़ता है आइदर वे यू हैव टू यूज द सेम कंडीशन गॉट इट ऑसम वेरी वेरी गुड गाइस दस क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए है आई होप यू आर इंजॉइंग आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं लेट अस कंटिन्यू और क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं इस इसपे लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट क्या है देखते हैं लेट ए बी बी रियल नंबर्स सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0 दो इक्वेशन है एक रूट उसका रिपीटेड है मतलब अल्फा इज अ रिपीटेड मतलब उसके सेम रूट्स है द रूट इज इक्वल दैट अल्फा इज आल्सो अ रूट ऑफ दिस अदर इक्वेशन इसका अगर दूसरा रूट बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी ओके Oh, I want to use another method of common roots here, because आपको पता होना चाहिए अगर condition by चांस याद नहीं रहती है तो कैसे करेंगे वैसे तो याद कर लो बट स्टिल दिस विल बी बेटर ऑफ doing विदाउट in a इज way. Okay? तो देखो यू हैव ए square स्क् माइनस टू बी एक्स प्लस फाइ इज इक्वल टू जीरो अल्फा कॉमा अल्फा जो है ना इसके रूट्स है मतलब अल्फा इंटू अल्फा अल्फा हियर

माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो सी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स बी स्क्वायर बाय ए माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो नाउ कैन आई पुट दीज वैल्यूज हर देखो मेरे पास ये ना वैल्यूज ऑलरेडी है फ्रॉम हिस्सर आई हैव दैल्यूज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आई है बी स्क्वायर बाय ए की वैल्यू आई है ये नीचे आ जाएगा तो बी बाय ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी फाइव सॉरी, आई ऑलरेडी हैव माइनस माइनस एन, टू इंटू फाइव माइनस टेन हो जाएगा ये मतलब आई एम गेटिंग फाइव बाई ए इज इक्वल टू आर एच एस में टेन प्लस टेन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वन जा फोर जार वन बाय ए आई एम गेटिंग फोर मतलब मेरा ए बन गया वन बाय फोर मेरा ए बन गया वन बाय फोर आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एजन बाय फोर नाउ वट आई हैव टू इजा एंड बीटा बेसिकली बिकॉज वो अल्फा स्क्स बीटा स्क्वा वहाँ पे अगर ए की वैल्यू वन बाई फोर है तो कैन आई गेट माई बी स्क् देखो बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर इज फाइव टाइम्स ए मतलब बी स्क्र मुझे फाइव बाय फोर मिल गया बी स्क्वायर मुझे फाइव बाई फोर मिल गया ना वट आई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्तर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा टू बी राइट एंड अल्फा इन टू बीटा ओवर देर इज माइनस टेन तो दिस इज फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है ये फोर को अगर मैंने आर एच एस में भेज दिया तो फोर बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी फाइव एल एच एस आई मीन फाइव प्लस ट्वेंटी दैट डायरेक्टली इज बिकॉज जब आप कॉमन रूट का कंडीशन निकालोगे तो भी आपको यह अल्फा और अल्फा स्क्वेर ही मिलने वाला है बट यर यू जस्ट गॉट इट डायरेक्टली बिकॉज वो रिपीटेड रूट था बिकॉज वो रिपीटेड रूट था ठीक है तो मैंने अल्फा निकाला वहाँ से अल्फा तो रूट है उसका तो मैंने अल्फा उसमें डाल भी दिया तो मुझे एक ए मिल गया उसके हिसाब से मुझे बी भी मिल गया Then I had to find a condition, some condition of roots from the second equation. Okay? Got it? Chalo, there you go. Chalo, this is a good question. Write it down. Alright, let's see the next question. What do we have? Okay. बीटा बी द रूट्स ऑफ अ कॉड्राटिक इक्वेशन एक्स स्क्स एक्स माइनस वन इज जीरो इफ पी के इज इक्वल टू अल्फा रेस टू के प्लस बीटा रेस टू के सर्च दैट के इज ग्रेटर टू वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इज नॉट ट्रू पूछा ठीक है तो रीड दैट प्रॉपरलीके न फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अल्फा रेस टू के प्लस बीटा रेस टू के है ना तो सबसे पहले मैं यहां से कैन आई जस्ट राइट इफ अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन कैन आई जस्ट राइट दैट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ये अल्फा के पावर्स यू हैव टू फाइंड ना तो अल्फा स्क्वायर आई विल राइट इक्वल टू अल्फा प्लस वन ना इफ आई वॉन्ट टू फाइंड अल्फा क्यूब कैन आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाई अल्फा सो वॉट विल आई गेट आई विल गेट अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बट आई ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर कैन आई सब्सिटीट्यूट दिस वैल्यू अल्फा प्लस वन इन दिस इक्वेशन यस सो वॉट विल आई गेट आई विल गेट टू अल्फा प्लस वन आईट टू अल्फा प्लस वन या नाउ आई कैन गो ऑन कैल्कुलेटिंग दिस फिफ्थ वाले तक बेसिकली ऑप्शन में आपको चाहिए तो हम ये कैलकुलेट करते जा सकते ये अल्फा क्यूब है अल्फा रेस टू फोर अगर चाहिए तो अल्फा से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मिलेगा टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अगेन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा प्लस वन वो आप इसमें डाल दो तो आपको मिल जाएगा टू अल्फा प्लस टू प्लस अल्फा विच यू थ्री अल्फा प्लस टू सिमिलरली अगर आपको अल्फा रेस टू फाइव अभी चाहिए तो आप अल्फा से फिर मल्टीप्लाई कर दो यू गेट थ्री अल्फा अल्फा अगेन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज अल्फा प्लस वन राइट अल्फा स्क्वायर यू आर गेटिंग थ्री अल्फा प्लस थ्री प्लस टू अल्फाइन अल्फा प्लस थ्री सो ना यू हैव दिसमली सॉरी यू हैव दिस ओके अब अगर आपको कोई भी एक पी निकालना है फॉर एग्जाम्पल वैसे ही आपको सेम चीज बीटा के लिए भी मिलेगी ना बीटा स्क्वा बीटा प्लस वन बीटा क्यूब विल भी टू बीटा प्लस वन बीटा बीटा रेस टू फोर विल बी थ्री प्लस टू एंड सो ऑन यस नाउ वै टू डू इज यू है मुझे चाहिए, तो सबसे पहले पी फाइव मुझे मिलने वाला है अल्फा रेस टू फाइव प्लस बीटा रेस टू फाइव करके विच विल बी वॉट इट विल बी फाइव अल्फा प्लस थ्री प्लस बीटा रेस टू फाइव हो जाएगा फाइव बीटा प्लस थ्री है ना अब देखो ये क्या होगा फाइव कॉमन ले लोगे अल्फा प्लस बीटा बचेगा थ्री प्लस थ्री सिक्स अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम यर यू आर गेटिंग इक्वल टू वन यू गेट फाइव एंड टू वन प्लस सिक्स विच इज इलेवन तो अब निकालो बाकी सारी चीजें पी टू पी थ्री पी फोर की वैल्यूज मतलब बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा रेस टू फोर प्लस बीटा रेस टू फोर वहां पे अल्फा प्लस बीटा का जो भी टर्म आएगा उसको आप वन लिख दोगे एंड यू हैव टू चेक विच ऑफ दी आंसर्स इज नॉट करेक्ट तो चेक करो और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट आ रहा है सबसे पहले पी टू निकाल के पहला ऑप्शन चेक करो वही आ रहा है ना इनकरेक्ट इतना काम अगर आपसे करवा लेंगे तो मोस्टली पहला आंसर ही दे देंगे थोड़ी दया कर लेंगे आप पे शायद ठीक है कैन ऑलवेज Alright. Yes? Understood? Got it? Awesome guys. Let's move ahead. Alright. The least positive value of A for which 2x square plus a minus 10 into x plus 33 by 2 is equal to 2a has real roots, is what? TK. Chalo. Let's write this as a proper qu quadratic. प्लस थर्टी थ्री बाई ये इसको इधर लेकर आ जाओ इट विल बी इक्वल टू 0 इसके रियल रूट्स होने चाहिए मतलब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए डेल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दिस यू नीड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेरी वेरी सिंपल फ्री क्वेश्चन है ये बहुत इसको ओपन करो ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए प्लस हंड्रेड ये ओपन करोगे तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा माइनस फोर इंटू थर्टी थ्री विल गिव यू माइनस एट इन माइनस टू एज प्लस इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू जीरो फैक्टर्स आते हैं आपके ए माइनस एट and a plus 4 is greater than or equal to zero. Multiple times I have told you in the course of lectures to make sure that you watch solving rational inequalities वाला video जिसमें हमने wavy curve method किया है. wavy curve method is a very very important concept. हम लोग यहाँ पे उसको फिर से use करने वाले हैं. क्या करते हो आप? Mark करते हो number line पे the points which are making this zero. मतलब minus 4 और 8. Curve आप start करोगे यहाँ पे equal to zero है मतलब दीज टू वैल्यूज कैन बी इंक्लूडेड तो कर्व स्टार्ट करो यहाँ पे आओ ए माइनस एट का पावर वहां पे वन है विच इज ऑड मतलब कर्व अपना डायरेक्शन बदल देगा यहाँ पे आ जाओ ए प्लस फोर के लिए भी सेम ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव मतलब आपको चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव तो क्या पॉसिबिलिटीज है या तो ए जो है वो माइनस फोर से छोटा हो सकता है या फिर एट से बड़ा हो सकता है उन्होंने बोला है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी ए की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू डेफिनेटली विल बी एट यहाँ पे अगर वो डिस्टिंक्ट पूछ लेता तो वो आपको लीस्ट पॉजिटिव नहीं फिर वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछता देन वो आपको पूछता लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो इन दैट केस आपको आंसर आता नाइन अगर वो डिस्टिंक्ट रूट्स पूछता तो एट इंक्लूड नहीं हो सकता ना बिकॉज उसके लिए आपका डेल्टा जीरो बन रहा है डेल्टा जीरो होगा तो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट नहीं होंगे So here your answer is a is equal to eight is the least possible value for which this particular quadratic is going to have real roots. They will not be distinct. Chalo, shall we move ahead? Got it? Very straightforward, simple question. Chaliye, aage varate. Okay, this looks very dangerous, but it is very easy. Dekho, uh, बाय गिवन ना एक चीज मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा तो वो मैं पहले कर देती हूँ अल्फा प्लस बीटा आई एम गेटिंग माइनस टू साइन थीटा तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको लेते हैं ये है आपके पास अल्फा रेस टू ट्वेल्व प्लस बीटा रेस टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय अल्फा रेस टू माइनस ट्वेल्व मतलब

अल्फा माइनस बीटा रेस टू ट्वेंटी फोर ये कैंसिल करो ये ऊपर ले लो अल्फा रेस टू ट्वेल्व इंटू बीटा रेस टू ट्वेल्व इफ आई टेक पूरा पावर ट्वेल्व आउटसाइड अरे नीचे भी है सॉरी इफ आई टेक पूरा पावर ट्वेल्व आउटसाइड ऊपर मेरे पास अल्फा बीटा बचेगा नीचे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बचेगा एंड बाहर यू हैव पूरा ट्वेल्व लुक एट द ऑप्शन मोस्टली ट्वेल्व है नीचे करेक्ट सो अल्फा बीटा तो अब मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकती हूँ आई मीन है मेरे पास अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा ठीक है सो so, इसका होल रेस टू ट्वेल्व है अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा माइनस फोर इंटू अगेन यू हैव माइनस टू साइन थीटा ठीक है पूरा फिर से रेस टू ट्वेल्व अब देखो यहां से थ्रू आउट साइन थीटा को डिवाइड कर सकते हो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा माइनस टू अपॉन साइन थीटा प्लस एट द होल रेस टू ट आ गया माइनस टू रेस टू ट्वेल्व इज नथिंग बट टू रेस टू ट्वेल्व ओनली और नीचे है साइन थीटा प्लस एट रेस टू ट्वेल्व दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन सी देखा जस्ट लुक्स डेंजरस बिकॉज ट्वेल्व दे दिया ट्वेंटी फोर दे दिया बट कुछ नहीं वो डराने के लिए किया है बस आपको ये ले लो लिख लो इसको जल्दी कमऑन लेट्स मूव अहेड ऑल राइट इज एन ऑसम क्वेश्चन आई लव दिस क्वेश्चन अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क् माइनस सिक्स एक्स माइनस टू आप अगर ध्यान से देखोगे ना ये अल्फा रेस टू एन प्लस माइनस बीटा ये ये लोग बहुत बार करते हैं एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन ना दे यूजली इन्वॉल्व टेकिंग दैट एक्स स्क् माइनस सिक्स एक्स माइनस टू का इक्वेशन को ही थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है ओके अल्फा एन इज ए एन इज गिवन

माइनस टू टाइम्स यू हैव अल्फा रेस टू एट माइनस बीटा रेस टू एट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अल्फा रेस टू नाइन माइनस बीटा रेस टू नाइन ठीक है सो यर इफ आई टेक अल्फा रेज टू एट कॉमन आई विल बी लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर माइनस टू देन आई विल टेक माइनस बीटा रेस टू एट कॉमन आई विल अगेन बी लेफ्ट विद बीटा स्क्वायर माइनस टू ओनली या और नीचे कुछ नहीं नाउ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू जीरो आएगा तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू क्या आ रही है सिक्स अल्फा सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस टू की भी वैल्यू हो जाएगी सिक्स बीटा तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर क्या मिल रही है आपको आपको मिल रहा है अल्फा रेस टू एट इंटू सिक्स अल्फा माइनस बीटा रेस टू एट इंटू सिक्स बीटा डिडेड बाय टू टाइम्स अल्फा रेस टू नाइन माइनस बीटा रेस टू नाइन सो यू टेक अल्फा रेस टू नाइन सिक्स कॉमन ले लो यू गेट अल्फा रेस टू नाइन माइनस बीटा रेस टू नाइन वाओ वो तो कैंसिल हो रहा है सीधा सिक्स बाय टू बचेगा विच इज थ्री दैट इज योर आंसर सी फन मजा आया ना मुझे तो बहुत मजा आया सो फिफ्टीन क्वेश्चन डन फिफ्टीन ऑसम क्वेश्चन विद अमेजिंग अदर अमेजिंग कंसेप्ट अलग 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 कंसेप्ट हमने बहुत सारे देखे यहाँ पे गॉट एट येस लेट्स मूव अहेड लेट्स मूव अहेड लेट्स नॉट स्टॉप ना और भी करते हैं अब आते हैं छोटे से एक ब्रेक ब्रेक मतलब क्वेश्चन से ब्रेक लेक्चर में ब्रेक नहीं क्वेश्चन से ब्रेक है कुछ क्वेश्चंस आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली जिसमें आपको ना बोला जाता है कि ये रूट्स यहाँ पे लाए कर रहे हैं रूट्स पे लाए कर रहे हैं रूट्स ऐसे हैं रूट्स वैसे हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है वो हम देखने वाले सबसे पहले हम एक क्वाड्राइटिकते हैं एफ ओफ एक्स सच दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए जीरो है मतलब वो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्सक्वायर का कोएफिशिएंट वो जीरो इन दैट केस क्वाड्रेटिक आपका यू शेप्ड होता है क्वाड्रेटिक आपका यू शेप्ड होता है अगर आपका a लेस देन जीरो हो जाएगा तो फिर वो पलट जाता है उल्टा यू आ जाता है ओके फॉर नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दीज कंडीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ a ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो लेट से कि ये आपका एक ग्राफ है उसका पैराबोला एक आ गया ऑल राइट नाउ सबसे पहले अगर आपको बोला जाएगा आ, ये माइनस बी अपॉन टू है उसका लीस्ट वैल्यू पीक नीचे वाला पीक ओके okay? फॉर मतलब एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे तो है तो दंडीशन आर सबसे पहले माइनस बी बाई टू ए से बड़ा होना चाहिए वो क्लियरली आपको दिख रहा है वो क्लियरली आपको दिख रहा है एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए इस केस में अगर उल्टा आ जाएगा तो नीचे चला जाएगा यहाँ पे वो निगेटिव हो जाना चाहिए और डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो रूट तो होंगे उसके रियल बट दे कैन बी इक्वल ऑल्सो बिकॉज बोथ ऑफ देम ग्रेटर देन के तो वो एक पॉइंट पे करेगा तो भी बोथ ऑफ देर के फर्स्ट कंडीशन सेकेंडली अगर आपको बोला है कि दोनों भी जो है वो के से छोटे है माइनस बी बाई टू ए वो के से कम हो गया वो के से कम हो गया एफ ऑफ के इज स्टिल पॉजिटिव डेल्टा विल स्टिल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू तो जीरो बस एक चीज बदल गई कि आपका पीक जो है वो पीछे आ गया देन नेक्स्ट ये बड़ा मजेदार है अगर के दोनों के बीच में लाई करता है तो यहां पे आ गया अब यहां पे आप माइनस बी बाई टू ए के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हो बट अगर दोनों के बीच में लाई करता है तो पहली बात दो होने तो चाहिए पहली बात देर शुड बी टू डिफरेंट रूट ना बीच में लाई करने के लिए दो चीजें चाहिए पहले तो सबसे पहले यहाँ पे वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है देन अगर वो दोनों के बीच में है मतलब यहां पर होगा ना वो इस रीजन में होगा इन दैट केस यूर एफ ऑफ के इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव इन दैट केस यूर एफ ऑफ के इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव वही अगर आपने पैराबोला को पलट दिया उल्टाग्राफ लिया ए लेस देन जीरो लिया तो इन दैट केस इट विल बी पॉजिटिव ठीक है देन अब दो वैल्यूज के बीच में अगर रूट्स है तो उसके लिए देखते हैं ये एक ही था एक से बड़ा है एक से छोटा है एक उनके बीच में है नाउ वी आर गोइंग टू डील विद इंटरवल्स पी और क्यू अगर दो वैल्यूज है और अगर आपको बोला है कि एग्जैक्टली वन रूट जो है वो पी और क्यू के बीच में लाई करता है पी और क्यू दो वैल्यू है एक रूट उन दोनों के बीच में लाई करता है तो दूसरा नहीं करता है मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो और ये P और Q के जो साइंस है वो अपोजिट होना चाहिए बिकॉज ये देखो ये क्रॉस कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा मतलब उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी नेगेटिव नेगेटिव बिकॉज पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव ठीक है ये हो गया P और Q के बीच में अगर एक रूट लाई करता है तो देन अगर दोनों रूट लाई करते हैं पी और क्यू के बीच में तो सबसे पहले वो जो पीक वैल्यू है माइनस वी बाय टू है इट शुड लाई बिटवीन बोथ ऑफ दीज रूट्स that peak value should lie between both of these roots can you see that yes also your f of q and f of p both of them will be positive in this case because i've u shaped wala le rahe ho theek hai ye dono ki values dekho ye f of p aa jayega yahan pe f of q aa jayega both of them will be positive okay and यहाँ पे delta does not matter delta i mean does not matter नहीं बोलना चाहिए. equal to 0 हो सकता है. all right let's see the next one इफ बोथ पी एंड क्यू लाई बिटवीन द रूट मतलब अभी पी और क्यू ही रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं मतलब पी और क्यू आपके अंदर आ जाएंगे तो इस केस में क्या होगा दोनों नेगेटिव होने चाहिए वेट सॉरी दोनों नेगेटिव होने चाहिए बोथ ऑफ देम शुड बी नेगेटिव बोथ ऑफ देम शुड बी नेगेटिव एंड इन दिस केस नाउ बिकॉज बीच में लाई कर रहे हैं दो रूट्स के दो अलग अलग रूट्स होना जरूरी है तब जाके आपका डेल्टा जो है वो ग्रेटर दैन जीरो होगा नोट yes. कर लो वेरी इंपॉर्टेंट बट लॉजिकली समझो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वॉट यू हैव टू सी वॉट यू हैव टू इवेल्यू एट इस डेल्टा का कंडीशन जो पीक वैल्यू है माइनस बी बाई टू है उसके साथ उसका कंडीशन और फंक्शन की वैल्यू वो पी और क्यू पे क्या हो रही है वो ठीक है दीज आर दिंग्स दैट यू नीड टू चेक यूर और राइट यस ऑल राइट ग्रेट तो लेट्स सी अ कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस ये देखो क्या है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैमडा फॉर विच लैमडा स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्सर माइनस फोर लैमडावल राइट तो एक रूट जो है वो जीरो है जीरो और वन हो गए आपके p और एक्चुअली इट शुड बी ईर शिफ्टेड लिटल बिट ओवर बट वो जीरो और वन नहीं है बेसिकली तो उसके लिए क्या कंडीशन है डेल्टा ग्रेटर देन एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए वैल्यूज का ओके okay? तो सबसे पहले लेट्स सी डेल्टा क्या है यहाँ पे ये यह आपका हो रहा है लैमडा स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वाइनस फोर टाइम्स लैमडा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरोल्टा यहाँ पे आपको चाहिए ग्रेटर देन जीरो बिकॉज एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग दूसरा वाला बाहर है मतलब दो अलग होने चाहिए तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो माइनस फोर लैमडा स्क्वायर माइनस फोर इंटू लैमडा स्क्वायर प्लस वन इंटू टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो माइनस एट लामडा स्क्वायर माइनस एट इज ग्रेटर देन जीरो एट लैमडा स्क्वायर माइनस एट इज ग्रेटर देन जीरो लैमडा स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो आ जाता है इसको अगर आपने वेवी कर्व से किया तो आपको मिल रहा है लामडा या तो माइनस वन से छोटा होना चाहिए या तो वन से बड़ा होना चाहिए माइनस वन से छोटा होना चाहिए या फिर वन से बड़ा होना चाहिए, Then, का जो है, वो चाहिए. तो एफ ऑफ पी यानी कि आपका एफ ऑफ जीरो आएगा एफ ऑफ जीरो विल सिंपली बी टू एफ ऑफ क्यू मतलब आपका एफ ऑफ वन आएगा दैट विल बी लैमडा स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर लामडा प्लस टू स्क्र माइनस फोर लैमडा प्लस थ्री ये प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए माइनस वन इंटू लैमडा माइनस थ्री इज लेस देन जीरो अगेन यू नीड योर वेवी कव मेथडि जाएगा आपका लैमडा लाई करना चाहिए वन और थ्री के बीच में नाउ वट यू नीड इज ये कंडीशन चाहिए ट्रू ये कंडीशन दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए की कंडीशन नहीं आएगी तो मार्क करो इसको माइनस वन से छोटा या फिर दिस इज और इट कान साइमल्टेनियसली बी ट्रू या फिर वन से बड़ा और यहां से आपको कंडीशन आ रही है वन और थ्री के बीच में तो गाइज माइनस वन से छोटा तो वो पॉसिबल नहीं है अगर यहाँ बिकॉज दिस इज अ कंपल्सरी कंडीशन इसमें ऑप्शनल है तो ये तो गया मतलब इट शुड लाई बिटवीन वन एंड थ्री बट यहां पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको उधर जो है वो एक ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर मतलब थ्री इंक्लूसिव है ये चेक करने के लिए आप क्या करो आप एक्स की वैल्यू थ्री ना क्वेश्चन में डालो और देखो उसके लिए कितनी लैमडा की वैल्यूज आ रही है ओके सॉरी मैंने उल्टा बोला लैमडा की वैल्यू थ्री जो है वो क्वेश्चन में डालो और उसके लिए भी अगर एक ही रूट है जो जीरो के बीच में लाई करता है तो देन ऑफ कोर्स यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल मतलब यहाँ पे इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑप्शन डी गॉट इट प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कंडीशन बस आपको एक एक करके इवेल्युएट करनी है ठीक है यस yes. नेक्स्ट करें ऐसी ही एक सिमिलर ऑल राइट लेट्स रूट ऑफ द क्वॉड्राटी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंग यहाँ पे उसने खुद स्पेसिफाई किया कि होने मतलब डेल्टा ग्रेटर एंड दे लाइ इन द इंटरवल वन कॉमा फाइव ओके तो इसका ग्राफ अगर आपने देखा वन कॉमा फाइव के बीच में बोथ ऑफ देम नीड टू लाई मतलब ये वाले कंडीशन आ गए अभी इसमें ओके okay? तो मतलब दोनों सबसे पहले ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और यहाँ पे भी आपका पीक का कंडीशन भी आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा डिस्टिंग आपके पास इसका डेल्टा क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो मतलब एम स्क्वायर माइनस फोर शुड भी ग्रेटर दैन जीरो वेवी कोगे तो यू गेट सॉरी एम स्क्वायर माइनस सिक्सटीन होगा वो एक्सट्रीमली सॉरी एम प्लस फोर एम माइनस फोर यू आर गोइंग टू गेट करेक्ट तो एम प्लस फोर इन टू एम माइनस फोर ग्रेटर मतलब एम या तो माइनस फोर से छोटा चाहिए या तो फोर से बड़ा चाहिए वन मार्क कर लो इसको देन लेट्स टेक ऑफ का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए मतलब एफ ऑफ वन यू नीड ना एफ ऑफ वन आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है गाइज यू आर गोइंग टू गेट फाइव माइनस एम राइट सो दिस इज योर एफ ऑफ वन करेक्ट अब हमें एफ ऑफ फाइव भी निकालना पड़ेगा तो चलो एफ ऑफ फाइव भी निकालते हैं एफ ऑफ फाइव आपको क्या मिलेगा यू विल गेट ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव एम प्लस फोर करेक्ट ना बोथ ऑफ दीज नो नीड टू बी ग्रेटर देन जीरो मतलब फाइव माइनस एम आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए विच इज एम शुड बी सॉरी नॉट ग्रेटर देन इट शुड बी लेस देन फाइव एंड दिस विल बी ट्वेंटी नाइन माइनस फाइव एम मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो करेक्ट मतलब यहां से आपको आ जाएगा एम शुड बी लेस देन ट्वेंटी सो दीज आर टू मोर कंडीशन दैट यू हैव ओके नाउ यू कैन एक्चुअली जस्ट इग्नोर दिस बिकॉज सॉरी आई मीन यू कैन इग्नोर दिस वन बिकॉज अगर वो फाइव से छोटा होगा तो वो ट्वेंटी नाइन बाय फाइव से ऑटोमेटिकली छोटा हो ही जाएगा है ना ट्वेंटी नाइन बाय फाइव की वैल्यू फाइव पॉइंट समथिंग आएगी तो इफ इट इज लेस देन फाइव विल बी लेस देन दिस दिस आई विल जस्ट इग्नोर

देन देर इज टू समेर यर देर इज फोर एंड फाइनली यू एफ टेन यहाँ पे आपको मिल रहा है फोर से बड़ा फाइव से छोटा वाला भी हमको कंसिडर करना है फाइव से छोटा एंड द लास्ट वन इज बिटवीन टू एंड टेन तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस हैज टू बी रिजेक्टेड माइनस फोर से तो वो थो छोटा होगा तो ये जो बड़े वाली कंडीशन है वो तो सारी जा रही है अब इतने पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो आई थिंक द कॉमन थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इज फोर और फाइव के बीच में लाई करना चाहिए एम करेक्ट अब इसमें फाइव इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है ये आपको कैसे पता चलेगा एम का वैल्यू फाइव डालो उसमें और चेक करो कि कितने रूट्स मतलब इफ बोथ ऑफ द रूट्स आर लाइंग इन दिस इंटरवल और नॉट You check that if they are lying in the interval, then you will include five also. Option, mein hi hai, I think, wo lie karega Alright. Got it? Awesome, guys. So, two questions based on this concept I have taken for you. As you can see, they are quite easy, straightforward. You just have to evaluate them and solve it. Yeah? Let's see the next one. Alright. Good question. Easy. This is like you know the miscellaneous problems that you have. Like

अब एक कंडीशन होती है ये किसका वैल्यू है टी प्लस वन बाई टू का ना कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को अगर आप ऐड करते हो तो उसका मिनिमम वैल्यू हैज टू बी मतलब है यही होगा टी प्लस वन बाई टू मस्ट बी इक्वल टू टू और ये इक्वालिटी ट्रू तब होती है जब ये दोनों इक्वल होंगे मतलब वन होंगे मतलब यहाँ पे आपको टी की वैल्यू मिल रही है वन मतलब आपका ई रेस टू एक्स बेसिकली आपको मिल रहा है एक्स का कितना पॉसिबल वैल्यू है एक्स का पॉसिबल वैल्यू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज वन पॉसिबल सोल्यूशन विच मींस दैट द नंबर ऑफ रियल रूट आर पॉसिबल आर वन योर आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज दट इज वन पॉसिबल सोल्यूशन गॉट इट येस मिसलिनियस क्वेश्चन alright let's have a look at another miscellaneous question for you 3 raised to x into 3 raised to x minus 1 is equal to mod of 3 raised to x minus 1 plus mod of 3 raised to x minus 2 then how many uh, it is the set of all real roots s is the set how many elements are there in s that is the question basically so 3 raised to x kwa what we are going to do here is we are going to put a, 3 raised to x as y. You get y into y minus 1 is equal to mod of y minus 1 plus mod of y minus 2. Now, usually when these type of questions are asked, you have to do term you everything as you shift to the other side. So, what happens is when you square, that mod wala term gets eliminated. But can you identify the problem with doing that here? ंट कीप अगल मॉड का टर्म ऑन वन साइड इफ यू शिफ्ट दैट अदर टर्म वो वहीं पे अटका हुआ रहेगा और वो बहुत आपको तकलीफ देगा मतलब दैट कन्वेंशनल मेथड फेल तो हम एकदम बेसिक फंडा पे जाएंगे अपने बेसिक फंडा मतलब जो मॉड और जिफ का मैंने एक वीडियो बनाया बेसिक मैथमेटिक्स प्ले लिस्ट में उसमें हमने देखा है कि मॉड वो एक्चुअली इवेल्युएट कैसे करते हैं कैसे करते हैं यू टेक केसेस मॉड ओपन करते हो आप मॉड को क्वेश्चन से हटा देते हो मॉड की जरूरत ही नहीं रहने देते हो तो अगर मैंने केस लिया वाई लेस देन वन का तो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी नेगेटिव सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट यू आर गोइंग टू गेट वाई इन टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस वाई प्लस टू माइनस वाई देट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई इधर मत वन माइनस वाई करना यहाँ पे मॉड नहीं है दैट विल बी थ्री माइनस टू वाय सॉरी ओके

माइनस वन प्लस रूट थर्टीन बाय टू जो है वो आपका वन से छोटा नहीं है मतलब रिजेक्ट हो गया और 3 कोई भी पॉजिटिव बेस का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहां से y लेस देन वन से हमें कोई केस मिल ही नहीं रहा अब हम देखेंगे वन और टू के बीच में लाई करने वाली वैल्यूज वन और टू के बीच में लाई करने वाली वैल्यूज़ तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा बट ये नेगेटिव ही रहेगा तो ये कैंसल हो गया आपको मिल रहा है बन जाएगा माइनस वन यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल रही है आपको मिल रहा है वन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए दैट इज वन प्लस और माइनस रूट फाइव बाई टू तो यहां से वन प्लस रूट फाइव बाई टू अगर आप देखोगे और वन माइनस रूट फाइव बाई टू अगर आप देखोगे वन माइनस रूट फाइव बाई टू इज गोइंग टू बी नेगेटिव आप वन प्लस चेक करोगे तो वो आपका इसी इंटरवल में लाई करता है मतलब तो यहां से एक सोल्यूशन आ गया लास्ट में बचा है जब y टू से बड़ा होगा वाला केस तो उसके लिए आप ले लोग माइनस वाई नाउ बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी पॉजिटिव Both of them are going to be तो आपको मिल रहा है माइनस टू माइनस थ्री वायक टू इक्वेशन के minus minus ये अगर आप डेल्टा चेक करोगे इसके कोई रियल रूट होंगे ही नहीं मतलब ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया तो आपको एक रूट यहाँ पे मिल गया अब आपको सिर्फ ये करना है कि वाई इज इक्वल टू वन और वाईज इक्वल टू टू के लिए चेक करना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सो, मतलब बिकॉज आपने वो लिया नहीं है ना आपने लेस देन बिटवीन एंड तो उसके लिए चेक करो y इज इक्वल टू वन डालोगे तो आपका एल एच एस पूरा जीरो बन रहा है और तो वाई इज इक्वल टू वन तो गया वाउट वाई इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू टू के लिए आपको क्या मिल रहा है टू इंटू टू माइनस वन इज इक्वल टू मोड ऑफ टू माइनस वन अफकोर्स दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू मतलब आपको एक ही सोलूशन मिल रहा है y का थ्री का पावर वो वैल्यू एक्स का निकालने की जरूरत नहीं है थ्री रेस टू एक्स की एक पॉसिबल वैल्यू यू आर गेटिंग विच इज वन प्लस रूट फाइव बाई टू वन प्लस रूट फाइव बाई टू दैट इज वन पॉसिबल वैल्यू दैट यू आर गेटिंग यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालोगे okay? वो लॉग आएगा उसका बड़ा सा डोंट हैव टू फाइंड इट नो नीड तो द सेट एस इज अ सिंगल टर्न सेट बिकॉज दर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ओके

अगर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं ना तो उसका कंडीशन होता है कि आपके जो कोएफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शन में होते हैं मतलब ये ए अपॉन वन बी अपॉन टू और सी अपॉन थ्री जो है वो सेम होगा बट आप बोलोगे मैम वो क्यों बता रहे हो आप हमें उन्होंने बोला है एक ही कॉमन रूट है गाइस एक ही कॉमन रूट है ऐसा उन्होंने बोला है अगर उन्होंने बोला है जरूरी नहीं है कि वो सच है आप बोलोगे मैम क्वेश्चन में गलत इन्फॉर्मेशन अगर दिया है तो फ्री होना चाहिए क्वेश्चन तो ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे अरे उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है उन्होंने आधी इन्फॉर्मेशन दी है आधी इन्फॉर्मेशन आपको खुद से डिसिफर करनी है आप बोलोगे कैसे ये वाला जो इक्वेशन है गाइस इसके रूट्स इमेजिनरी चेक करो है कि नहीं है ना रूट्स इमेजिनरी है उसके अगर उसके रूट्स इमेजिनरी है फॉर एग्जाम्पल करो एक रूट वन प्लस दोनों के बीच में नहीं होगा वो नहीं है मैं एग्जाम्पल दे दू तो वन प्लस एनी ऑफ द टू क्वेश्चन आई बी द अदर रूट देर इज नो अदर ऑप्शन बिकॉज अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स होता है अदर रूट कंपल्सरीली हैज टू बी इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इमेजनरी रूट अगर कोई इक्वेशन का है जो कि कॉमन है किसी और के साथ तो भाई दोनों ही इक्वल होंगे तो उन्होंने नहीं बोला कि दोनों कॉमन है बट आपको समझ जाना है कि दोनों कॉमन है तो इन दैट केस यू विल यूज दिस कंडीशन कि दोनों का प्रोपोर्शन में होना चाहिए इफ बोथ ऑफ द रूट्स आर कॉमन देन द कोएफिशिएंट्स शुड बी इन प्रोपोर्शन यानी कि यहाँ पे एस टू टू सी क्या आने वाला है बोला ना फ्री क्वेश्चन फ्री क्वेश्चन इसको बोलते हैं फ्री क्वेश्चन गॉट इट ये तो मैंने लिखा है आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है वो देख के सिर्फ मार्क कर कहना हैमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ये वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा मजेदार है इसको अच्छे से करना लेट मी नो द आंसर फॉर दिस इसमें ना आई विल गिव यू हिंट बिकॉज आई एम वेरी ग्रेसियस दैट वे आई विल गिविंट इसमें इसको ना टी लेना टू रेस टू एक्स माइनस वन को यू विल फाइंड इट इजी टू सॉल्व ओके यस मोर्ड के साथ नही भाई मोर्ड के साथ मत लेना सो दैट इज इट फ्रॉम मी फॉर टूडे आई होप यू एंजॉयट आई होप द क्वेश्चन वर वेरी गुड फॉर यू एज वेल Thank you so much guys for watching. If you have any problem as always, I will be very happy to get back to you. Let me know the answers for this and share it with Let them also, you know, have some fun with it. First wala question dangerous. No, Please trust me on that. Thank you so much guys. I will see you next time. Until then, bye-bye. Take care. God bless you and stay safe and all the best.